सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस और चंदन सिंह। आइए देखते हैं द्विघात का अपना अगला वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दी हुई है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं, माना चौड़ाई हो जाएगी x मीटर, लंबाई दो गुनी है और उससे भी एक अधिक है, तो उसमें दो गुना करके एक ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर। अब उसके बाद हमें क्षेत्रफल देखना है, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया x और 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और 528 धर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, तो इसका जब फैक्टर करेंगे हम, इसको पहले हम यहाँ रफ कर लेते हैं, 528 गुणे 2 हो जाएगा 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4 = 5 और 2 × 5 = 10, 1056। 1056 को हमें तोड़ना है कि यहाँ पर एक आए, तो इसको हम 33 × 32 अगर करेंगे तो इतना आएगा और 33 से 32 निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस का 32x और माइनस 528 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा, x ही कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, इसमें जब अगर हम कॉमन लेंगे तो 16 कॉमन ले लेते हैं और x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस का 33 बराबर 0, यहाँ पर x कॉमन नहीं होगा। अब ये एक में आ जाएगा x माइनस 16 और एक में आ जाएगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 16, ये माइनस में आएगा, इसको हम नहीं लेंगे। फिर अब हम इसमें मान रखेंगे, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 16 और लंबाई हमने मानी थी 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 × 32 = 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष ज़्यादा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम इसमें रोहन की आयु मान लेते हैं, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु जो है, चूँकि उसकी माँ की आयु उससे 26 वर्ष ज़्यादा है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों का निकालेंगे हम, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि बाद में हम प्लस करते हैं और पूर्व में माइनस करते हैं। फिर माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 बराबर ही हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब इनका गुणनफल, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर हो जाएगा 360। अब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का
उनतीस एक्स, प्लस का 3x और प्लस का 3 27 और 3 दूनी 6 2 8 और माइनस का 360।